फ्रेंड्स, चॉकलेट आइस केक के लिए कितना प्रीमिक्स लेना है और कैसे चॉकलेट केक स्पंज बनाना है, आइस केक के लिए कौन सा प्रीमिक्स यूज़ किया जाता है, वो पूरा डिटेल बता रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ घर का ही कप लिया है और वेनिला रेडीमेड प्रीमिक्स चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो फ्रेंड्स, कोई मेजरमेंट का कप मैंने यूज़ नहीं किया है। आप मेजरमेंट से करना चाहते तो 240 ml के कप से 1 कप लेना है हाफ केजी केक के लिए, और मैंने ये जो कप लिया है इसमें 240 ml बैठ जाता है फ्रेंड्स प्रीमिक्स। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरीके से आपको बैटर को मिक्स करते जाना है। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी है फ्रेंड्स। चॉकलेट प्रीमिक्स से आइस केक बनता है और मैंने गोदरेज का लिया है और आप अलग अलग कंपनीज भी ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर इस तरीके से बन के रेडी है एकदम सॉफ्टनेस में। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच जितना ऑयल डाल रही हूँ और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने से जो हमारा स्पंज है एकदम सॉफ्टली बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे टिन में डाल लेंगे। तो इसका टेक्सचर देख सकते हो फ्रेंड्स कितना थिकनेस में आ गया है और कितना शाइनी है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने गोदरेज का लिया है, आपके जहाँ एरिया के अनुसार अलग अलग कंपनीज भी मिलती है वो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने टिन लिया है और टिन में कोई बटर पेपर नहीं डाला, ओनली ऑयल डाला है। पूरे टिन को आपको ऑयल से इस तरीके से लगा लेना है और बहुत ही ईजीली स्पंज बन के रेडी होता है और इसे आज हम गैस के ऊपर ही बेक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमारा जो पूरा बैटर है वो इसमें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मेजरमेंट बताया है, ये हाफ केजी का है। 240 ml के कप से 1 कप लेंगे तो आपका हाफ केजी का आइस केक बन के रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक दो बार टैप किया है और ये देखिए मैंने पतीला रखा है और स्टैंड रखा है इसमें और नमक डाला है और इस तरीके से आपको रख देना है। 30 मिनट के लिए बेक हो जाएगा। आपके पास पतीला नहीं है तो कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो, कढ़ाई में भी आप नमक डाल के स्टैंड रख, नहीं तो प्लेट भी रख सकते हो स्टैंड नहीं है तो। और देखिए फ्रेंड्स, 30 मिनट के बाद हमारा जो बेस है चॉकलेट बेस बन के रेडी है और ये गरम है और ये देखिए फ्रेंड्स कितना थिक हो गया है। और अब टूथपिक डाल के देखिएगा, मुझे तो आदत ही है, डायरेक्ट हाथ ही डाल देती हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा हमारा जो चॉकलेट स्पंज बन के रेडी है। इतना प्रीमिक्स से कैसे स्पंज बनाया जाता है हर फ्लेवर का, मेरे चैनल पर उसकी भी स्पेशल वीडियो अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने यह 3 स्लाइसिस में इस तरीके से कट किया है और बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बताया है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मेरी यूजफुल लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और इसी केक से मैंने ये देखिए आइस केक बनाया है, कितना ब्यूटीफुल। और क्रीम कैसे बनाते हैं, वेनिला प्रीमिक्स से स्पंज हर फ्लेवर में कैसे बनाते हैं, पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, जाके आप जरूर देखिएगा। और वीडियो यूजफुल लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।